दोस्तों, जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो खबर आ गई है। हमारे जाबाज वीर जवानों ने हंदवाड़ा में शहीद हुए अपने शहीदों का बदला ले लिया है। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नायक को एनकाउंटर में मारा गया। ये सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी जीत है। पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एक जगह पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मारा है, जबकि दूसरी जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज नायको की तलाश में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी थी। इसके बाद खबर मिली कि सुरक्षा बलों ने रियाज नायको को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। भारतीय सेना ने उसके सर पर 12 लाख का इनाम रखा हुआ था। उसने घाटी में लंबे समय से दहशत फैला रखी थी। सबजार भट्ट की मौत के बाद रियाज को हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया था। बुरहान वानी के बाद वह घाटी में आतंक का नया पोस्टर बॉय बन गया था। रियाज बुरहान वानी के कोर ग्रुप का मेंबर था और बुरहान के मारे जाने के बाद उसे टॉप कमांडर बनाए जाने की लगातार चर्चा हो रही थी। पिछले साल उसने धमकी भरा ऑडियो जारी किया था, साथ ही वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने जेल स्टाफ पर हमले की धमकी दी थी। हमारे सूत्र के अनुसार सुरक्षा बलों को हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायको के छिपे होने की जानकारी मिली थी और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। मंगलवार रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया था और रात 12:15 पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। जिस जगह मुठभेड़ चल रही है वहाँ करीब 14-15 घर हैं, जहाँ से नागरिकों को पहले ही सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार दिया गया था, लेकिन इस एनकाउंटर में सेना के एक कर्नल और एक मेजर सहित 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में शहीद हुए लोगों में सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 कमांडो भी शामिल थे। और इतना नहीं, इसके बाद हंदवाड़ा जिले में सोमवार को एक बार फिर आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की वारदात को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इस हमले में एक आतंकवादियों को मार दिया गया था और तब से ही देश इसके बदले का इंतजार कर रहा था। और हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नायको के ढेर करने के बाद सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी।